चलिए बात करते हैं दो अपोजिट एंड इक्वल चीजों की। ये लड़के और लड़कियों की बातें नहीं है, ये चार्जेस की बातें हैं। यहां पर बनेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल और इस वीडियो से 101% चांसेस हैं कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, एक्सियल, इक्विटोरियल और जनरल पोजिशन एक ही वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइपोल्स को समझना पड़ेगा। डाइपोल अगर अपन देखें तो अपन ने केमिस्ट्री में भी सुना है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये एक्चुअली है क्या? यहां पर अपन ये कहते हैं कि जब अपने पास दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो मगर चार्जेस का जो साइन है, नेचर जो है वो अपोजिट हो और बहुत छोटी डिस्टेंस पर रखा हो तो वो बनता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्वेश्चन ये उठता है कि ये बनता कैसे है। क्वेश्चन का आंसर यहां पर है वो जो केमिस्ट्री में पढ़ा है ना तुमने, चोट्टा बॉन्ड पढ़ा है, सुना है? नहीं, मैं बताता हूं। ऐसे HCl की बात करते हैं, क्लोरीन बोलता है भाई हाइड्रोजन से आजा अपन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, हाइड्रोजन कहता है ओके भाई मेरे भी दो हो जाएंगे, क्लोरीन कहता है मेरे आठ हो जाएंगे। पहले तो बहुत प्यार से बॉन्ड बनवा लेता है, उसके बाद बोलता है मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुझसे ज्यादा है, चल इलेक्ट्रॉन के पेयर इधर सर का। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बेचारे थोड़े से पेयर इधर शिफ्ट हो जाते हैं, इस पे स्लाइटली नेगेटिव आ जाता है, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव, दोनों के बीच की डिस्टेंस है बहुत कम, दोनों पर जो चार्ज है एक पर पॉजिटिव है एक पर नेगेटिव है, क्या बनाएगा ये? इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा। जब अपन एटम की बातें करते हैं तो सेंटर में बैठा हुआ है अपने पास न्यूक्लियस जहां पर है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनका भी जो मास निकल के आता है जो टोटल वो सेंटर पे निकल के आता है, मगर जब फील्ड लगाते हैं तो ये दोनों थोड़े थोड़े से अलग हो जाते हैं, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, बन जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में भी आया कि क्यों पढ़ना है, तो अब पढ़ते हैं अपन इसको। जब अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल की बातें करते हैं तो सबसे पहला जो टर्म निकल कर आता है अपने पास वो आता है डाइपोल मोमेंट। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये एक मैथमेटिकल टर्म है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है हमारे पास चार्ज का, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्यों ले लो, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां पर अपन जानबूझ के ये डिस्टेंस को 2L लिख रहे हैं, मैं x भी लिख दूंगा, मैं a लिख दूंगा आगे जाके, आप तो बस इतना याद रखना कि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। ये 2L क्यों ले रहे हैं ये इसी वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। सो अगर यहां पर देखें सो डायपोल मोमेंट अपने पास, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अपने पास निकल कर क्या आएगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस जो यहां पर कितनी है 2L है, सो q इंटू 2L। और यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट है, तो भैया ये बन गया आपका वेक्टर, और अगर ये वेक्टर है तो इसके पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज व्हाट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी, यस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, और यहां से इसकी यूनिट भी निकल के आ जाएगी कूलम इनटू मीटर, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ATL, हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब अपन बढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से रिलेटेड है, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यह रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, आपसे कहा गया फाइंड द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और आपके सामने यह दिया हुआ था, कुछ मत करो टेंशन मत लो, यह माइनस क्यू है, यह टू क्यू है, यह माइनस क्यू है। यहां पर अपने पास क्या मैं इस 2q चार्ज को ऐसे ब्रेक करके लिख दूं, यहां पर दो क्यू चार्जेस लिख दूं, यस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर अपन ऐसा लिख सकते हैं यहां पर, तो आप गौर से देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ये वाला एक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा P1, और माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ये आ जाएगा दूसरा डाइपोल मोमेंट P2, और ये 60 डिग्री दिया था तो ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, तो ये एंगल भी अपने पास हो जाएगा 120 डिग्री। मतलब कि दो वेक्टर डायपोल मोमेंट कितने डिग्री पर हैं, 120 डिग्री पर हैं, और चार्ज कितना है क्यू, और डिस्टेंस कितनी है ए, तो भैया P1 की वैल्यू आपके पास आ गई क्यू इंटू ए, P2 की वैल्यू भी आ गई आपके पास Q into distance, एंगल कितना है 120 डिग्री, यहां पर रख दो रिजल्टेंट वेक्टर का, ऐसे निकालते हो ना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या रख दी मैंने 120 डिग्री, P1 P2 दोनों इक्वल हैं, कितने हैं ये Q into A हैं,
जरूरी नहीं है टू एल डिस्टेंस लिखी जाए, टू ए लिखी जाए, ए डिस्टेंस है तो ए लिखो। अब यहां पर अपने पास ये हो गया पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर कॉस 120 डिग्री। अगर किसी को दिक्कत है 90 से ऊपर वाले में तो ध्यान रखो साइन के अलावा 90 से 180 तक कॉस और टेन दोनों नेगेटिव होते हैं। और अगर आपको 90 से ऊपर वाली वैल्यू निकालनी है, स्पेशली फॉर माई बायो स्टूडेंट्स, यहां पर कॉस 120 की वैल्यू निकालनी है तो 180 से माइनस कर दो, क्या बचा कॉस 60। कॉस 60 याद है 1/2, मगर क्योंकि ये 90 से बड़ा है इसलिए साइन लगा दो माइनस, तो माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का पी स्क्वायर क्योंकि 2 से 2 तो हो गया कैंसिल, ये भी आपस में हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा पी स्क्वायर, पी स्क्वायर का रूट के बाहर आ जाएगा पी, आंसर हो गया क्यू इंटू ए, दैट्स इट, कहानी खत्म। एक क्वेश्चन और ले लें इस टाइप का, अपन से कहा गया नेट डायपोल मोमेंट निकाल कर लाइए, क्वेश्चन ये दिया हुआ था, फिर से यहां माइनस 2q लिखा हुआ है और ये एंगल अपन को अब दे रखा है 60 डिग्री, पूरी कहानी वही है। अगर आप यहां पर देखो तो ये माइनस 2q को आप ब्रेक कर सकते हो माइनस क्यू में, फिर माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ एक डायपोल मोमेंट आ गया P1 विच इज क्यू इंटू ए, एक और डायपोल मोमेंट आ गया माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ P2 विच इज ऑल्सो क्यू इंटू ए क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड है क्यू और डिस्टेंस है ए, और इनके बीच का जो अपने पास एंगल है वो एंगल है 60 डिग्री, कहानी खत्म हो गई दोस्तों। P1 P2 दोनों इक्वल हैं और QA जो है वो मैग्नीट्यूड है और जो एंगल है वो 60 डिग्री है। लो भाई पी नेट तुम्हारे पास निकल के आ गया अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, और P1 और P2 दोनों इक्वल हैं, सो ये आ गया पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया अंडर रूट 3 पी स्क्वायर और पी हो गया बाहर, पी की वैल्यू रख दी मैंने क्यू ए, आंसर है रूट 3 क्यू ए। सो ये हो गया अपन को क्लियर, और अगर क्लियर है तो अब अपन बढ़ जाते हैं आगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की तरफ, किसके कारण डाइपोल के कारण। जब हम डाइपोल की बातें करते हैं तो हमारे पास बेसिकली दो चीजें आती हैं, एक होता है अपने पास माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये है अपने पास एक्सिस डाइपोल का, दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है, और एक होता है अपने पास ऐसा जो बीच में से परपेंडिकुलर होता है, इसे हम कहते हैं इक्विटोरियल। क्यों बोलते हैं इसको इक्विटोरियल, क्योंकि इस चार्ज से यहां से डिस्टेंस निकालो या यहां से निकालो किसी पॉइंट की, दोनों साइड से जो डिस्टेंस आएगी वो इक्वल आएगी, इसीलिए इसको बोलने लग गए हम इक्विटोरियल एक्सिस, या फिर इसको बोला जाता है साइड ऑन, और इसको बोला जाता है एंड ऑन। एक्सियल की जगह पर अगर आपसे कभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहां पर वर्ड यूज किया जाएगा तो वो यूज किया जाएगा एंड ऑन पोजीशन, और अगर आपसे कहा जाए कि ये पोजीशन है तो ये इक्विटोरियल कहोगे आप, यहां पर कहीं फील्ड आपने निकाली तो, या फिर आप इसको कहोगे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। सो अपने पास दो पोजीशंस थी, तो सबसे पहले अपन बढ़ते हैं एक्सियल पोजीशन की तरफ, तो ये आ गई अपने सामने एक्सियल पोजीशन। अब एक्सियल पोजीशन में अपन से कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, मगर बिना बाबा जी की बूटी के आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता, तो चलिए बढ़ जाते हैं बाबा जी की बूटी सेक्शन में। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। बूटी सेक्शन क्या कह रहा है अपन से, बूटी सेक्शन सिर्फ दो पॉइंट बोल रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, लास्ट वीडियो में बताया था क्या होती है, E इज इक्वल टू 1/4πε0Q/r2, क्यू क्या है चार्ज, r क्या है डिस्टेंस उस पॉइंट की उस चार्ज से, बस इसके अलावा और कुछ नहीं कह रहा था अपन से। और दूसरी चीज, अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है दो फील्ड का और यहां पर अपने पास जो फील्ड बनेंगी वो अपोजिट बनेंगी, तो रिजल्टेंट आएगा E1 - E2 का मैग्नीट्यूड, वेक्टर है इसीलिए ध्यान से वो अंडर रूट वाला फॉर्मूला ही लगता है, मगर अपोजिट आएंगी इसीलिए यहां पर माइनस करके डायरेक्ट लिखना है। तो ये दोनों स्टेप बूटी की ध्यान रखो, ये डेरिवेशन बच्चों जैसा है तुम्हारे लिए। सबसे पहले ये आ गया तुम्हारे सामने बेहतरीन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये Q, ये माइनस Q, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले रखी है 2L, लड़ाई हुई डाइपोल्स के बीच में कि भैया डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे उस पॉइंट की, वो कहता है प्लस Q बोलता है मेरे से, माइनस Q बोलता है मेरे से, लड़ाई को खत्म करने के लिए अपन ने कहा एक काम करेंगे, जब भी डाइपोल से डिस्टेंस निकाली जाएगी तो वो बिल्कुल बीच में से निकाली जाएगी, और बीच में से निकाली जाएगी इसीलिए हमने इस डिस्टेंस को ले लिया 2L। कारण यह है कि अगर बीच में से ले रहे हैं और अगर इसको L लेते तो यह L/2 आता, और L/2 तो यार गड़बड़ करता, फिर वो LCM लो दिक्कत आती, इसीलिए हमने अपनी आसानी के लिए पहले ही 2L ले लिया ताकि आधा करेंगे तो L मिलेगा, कुछ रेशो में नहीं मिलेगा, ठीक। सो ये 2L के पीछे का लॉजिक था। अब ये पॉइंट है X,
जिस पर मुझे निकालनी थी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये एक्सियल पोजीशन हो गई, बिल्कुल हो गई। अगर एक्सियल पोजीशन हो गई यहां पर, तो ये बताओ ये प्लस क्यू चार्ज के कारण जब भी कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ती है तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, ये प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा, तो ये डायरेक्शन आ गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई1 की, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की क्या होगी, तो ये पूरी डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस एल है, तो बची हुई डिस्टेंस क्या हो गई, आर माइनस एल, यानी कि Q से जो डिस्टेंस है वो है R माइनस L। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। अब आपको कहा जाएगा कि आप निकाल कर दो माइनस क्यू के कारण, तो माइनस क्यू के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, माइनस क्यू इस पॉजिटिव को जब डायरेक्शन निकालना होगी तो यहां पॉजिटिव रखोगे तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो ये डायरेक्शन आएगी अपने पास E2, और E2 जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये E1 था ये E2 है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर आप यहां पर देखो तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी आने वाली है, पूरी की पूरी ये डिस्टेंस यहां तक की डिस्टेंस है R, और ये है L, तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस R प्लस L। ये आ गया अपने पास E2 की वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। दोनों आ गई, दोनों अपोजिट हैं, अपोजिट हैं तो रिजल्टेंट क्या आएगा, E1 माइनस E2, खत्म हो गया डेरिवेशन। यही दो बूटी तो दी थी यार, एक सिंपल सी स्टेप, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, दोनों अपोजिट हैं, दोनों को माइनस कर डालो, आंसर क्या निकल के आया, E1 की वैल्यू रख दी 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, E2 की वैल्यू रख दी 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, Q अपॉन 4πε0 दोनों में से कॉमन, ये देखो कॉमन क्या बचेगा, 1/r-l का स्क्वायर अपॉन 1/r+l का स्क्वायर, एलसीएम ले ले, ये चीज जाएगी इधर तो ये हो जाएगा r प्लस l का होल स्क्वायर, ये चीज जाएगी इधर तो ये हो जाएगा r-l का होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जब एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर से देख लो, ये चीज तो कॉमन चली गई, खत्म, 1/r-l का स्क्वायर, 1/r+l का स्क्वायर, ये चीज चली गई इधर, तो ये इधर, ये इधर, अब नीचे दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, r-l into r+l, r²-l² स्क्वायर, और दोनों का क्या है स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मगर माइनस के कारण ये भी हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, और ये हो गया प्लस, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 2RL प्लस 2RL 4RL, Q अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 4RL। अब यहां पर ये जो 4RL था इसको मैंने ब्रेक कर दिया, इसको लिख दिया मैंने 2R इंटू 2L, तो ये Q जब अंदर जाएगा, ये देखो गौर से, ये Q जब अंदर जाएगा तो ये 4 को ब्रेक कर दिया 2R इंटू 2L, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये Q इंटू 2L क्या बन जाएगा, Q इंटू 2L इंटू 2R, Q इंटू 2L क्या बन जाता है दोस्तों, Q इंटू 2L अपने पास हो जाता है P, तो डायपोल मोमेंट हो गया P, और जैसे ही यहां रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 2R इंटू P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हो गई कहानी खत्म, जैसे ही ये आपके पास दिखेगा ये आपका आंसर है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है। मगर अगर शॉर्ट डाइपोल की कोई आपसे बात करे तो वो बोलेगा आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, अगर आर एल से बहुत ज्यादा है तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अंबानी जी से एक रुपए ले लिए, क्या लिया तुमने, अडानी जी आ गए अब तो उनसे भी ले लिया, तो क्या लिया तुमने, तो ये अगर बहुत बड़ा है उसमें से कुछ एल को माइनस करोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी नियरली आर स्क्वायर के बराबर ही आएगा। और अगर आएगा तो यहां पर यह हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर उसका भी स्क्वायर, तो हो गया r की पावर 4, एक r हो गया कैंसिल, 1/4πε0 2π/r³। आपका फॉर्मूला निकल के आ गया एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बढ़ेंगे अपन किसकी तरफ,
इक्विटोरियल की तरफ। जब हम इक्विटोरियल की बात करते हैं दोस्तों, तो इक्विटोरियल के लिए भी बूटी क्या कह रही है, बूटी ये कह रही है कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0Q/r2। और इसके बाद हम यहां पर E1 और E2, क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है, प्लस माइनस वाला लॉजिक नहीं लगाएंगे, रिजोल्व करेंगे, सब सिखा देंगे बाबा जी। दूसरा तरीका भी होता है, मास्टर ने बताया होगा क्लास में, बट अपन उस तरीके से नहीं जाएंगे, आसान तरीके से जाएंगे। अब सबसे पहले इक्विटोरियल, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इनके बीच में ये अपने पास हो गया वो डिस्टेंस आर, ठीक। अगर ये r डिस्टेंस हो गया, ये l है, तो ये डिस्टेंस कितना निकल के आएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इस साइड भी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इस साइड भी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट। पाइथागोरस थ्योरम, अगर याद नहीं आ रहा तो ये वाला देख लो, ये परपेंडिकुलर r, ये बेस l, तो ये हाइपोटेन्यूज तुम्हारे पास आ गया अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। ओके, क्योंकि इक्विडिस्टेंट है तो भैया ये देखो, ये प्लस क्यू, यहां पर जो एक्स पॉइंट पर फील्ड निकालेंगे, तो यहां क्या रख दोगे तुम, इस एक्स पॉइंट पर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो भैया यहां पर प्लस क्यू, इस पे तुम रखोगे क्या, एक पॉजिटिव चार्ज को रख दोगे, ये प्लस इस प्लस को इस लाइन के अलोंग रिपेल करेगा, तो ये आ गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, और इस डायरेक्शन में निकल के आएगी। और जैसे ही इस डायरेक्शन में आएगी, कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, 1/4πε0 चार्ज क्यू, डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अगर यहां पर देखो आप E2 की वैल्यू, तो E2 क्या है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये माइनस यहां के प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो इस लाइन के अलोंग जब ये अट्रैक्ट करेगा, तो E2 की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है, चार्ज है क्यू, डिस्टेंस है आज भी वही अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 1/4πε0Q/r2+l2 का होल स्क्वायर। क्या E1 और E2 इक्वल हैं? जी हां, E1 एंड E2 बोथ आर इक्वल इन दिस केस। अब जो है, अब काम की बात है, यहां पर बाबा जी की स्पेशलिटी निकल के आती है, क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है? क्यों है? क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे दोनों से, जब इक्वल पर रहेंगे तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई। अब यार ये जो एंगल निकल कर आएगा, ये एंगल भी सेम आएगा, थीटा बिल्कुल आएगा, ये लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये थीटा है तो ये भी थीटा, और अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थीटा, तो भैया ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया। अब मैंने रोक के रखा था जानबूझकर यहां पर, ताकि मैं तुमको सामने करके दिखाऊं और वो डाउट ना बने तुम्हारे दिमाग में। ये अगर ई है तो ये क्या थीटा वाली साइड है, और ये मैंने सिखाया है कि थीटा वाली साइड पर कॉस आता है जब रिजोल्व करते हैं, तो अगर ये E1 है, आपने इधर रिजोल्व किया, तो ये आ गया E1 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, E1 साइन थीटा। अब यहां पर देखो, E2 को जब रिजोल्व करेंगे तो इधर ही आएगा E2 cos थीटा, और नीचे की तरफ क्योंकि ये इधर इसको रिजोल्व कर रहे हैं, तो इधर आएगा cos, इधर आएगा इसके परपेंडिकुलर E2 साइन थीटा। मैं यहां लिख देता हूं E2 साइन थीटा, ये है। So, जैसे ही आपके पास E1 और E2 इक्वल हैं, ये दिख गया यहां पर, तो क्या आप ये कह सकते हो कि E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा को कैंसिल आउट कर देगा ये, तो रिजल्टेंट क्या बचेगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दैट्स इट, कहानी खत्म हो गई दोस्तों। यही लिखना था अपन को कि जो E1 है वो E2 के बराबर है, और E1 E2 को रिजॉल्व कर सकते हैं साइन और cos दो कंपोनेंट में, E1 sin थीटा E2 sin थीटा इक्वल हैं, तो कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्टेंट आ जाएगा 2E cos थीटा। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है cos थीटा की वैल्यू क्या है, तो देखो भाई ये है cos थीटा की वैल्यू, इसी ट्राइंगल में फिर से देखो, बेस है एल, हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो आपके पास कॉस थीटा क्या आ गया, बेस एल अपॉन हाइपोटेन्यूज, रख दे यहां पर वैल्यू, रख दी अपन ने वैल्यू, क्या आ गया आंसर, E इज इक्वल्स टू 2 × 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि ये E की वैल्यू है, ये 2 है और ये कॉस थीटा की वैल्यू है। अब जल्दी से बताओ Q × 2L क्या होता है, Q × 2L होता है अपने पास P, तो ये हो गया P। अब ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1, और ये कितना है 1/2, तो ये आ जाएगा 3/2, सो 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। और अगर शॉर्ट डाइपोल है तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को लिखा जा सकता है R स्क्वायर, यहां लिख दो, तो ये देखो R स्क्वायर की पावर हो गया 3/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, 1/4πε0 P / r³ इज द आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
डेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इन इक्विटोरियल पोजीशन। अब एक छोटे से केस को और तुम्हें बता देता हूं कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को देखा जाए तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में ये आपके पास एक्सियल पोजीशन हो गई, ये आपके पास इक्विटोरियल पोजीशन हो गई। अगर ऐसा है तो इस केस में ये ध्यान देखो कि अगर आप यहां पर r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो शॉर्ट डाइपोल के लिए तो वो आएगा K2P/r³। और अगर आप k क्या है 1/4π ε₀ और इक्विटोरियल पोजीशन में क्या आएगा KP/r³ E₂। तो अगर मैं एक्सियल और इक्विटोरियल का रेशियो ले लूं तो ये मेरे पास आएगा 2, मतलब कि जब डिस्टेंस सेम हो तो एक्सियल में जो फील्ड होती है वो इक्विटोरियल का डबल होती है। यहां पर 5 न्यूटन पर कूलम है तो यहां 10 हो जाएगा, यहां 10 है तो यहां 20 हो जाएगा, यहां पर 20 है तो वहां 10 हो जाएगा, वहां आधा हो जाता है। ये भी ध्यान रखना। और एक चीज और ध्यान रखना कि चाहे इक्विटोरियल हो चाहे एक्सियल हो, अगर E वर्सेस R का ग्राफ आपसे पूछा जाए तो उस केस में आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा भैया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब के दोनों केस में। तो ये ध्यान रखना। एक छोटा सा पॉइंट और पूछा जा सकता है जो मैं डायग्राम से ही बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप देखो तो आपकी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है यहां पर वो आ रही है इस डायरेक्शन में आ रही है, और अगर आप देखो डाइपोल मोमेंट है माइनस क्यू से प्लस क्यू इधर, तो इन केस ऑफ इक्विटोरियल द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फील्ड इज अपोजिट, और एक्सियल में ये सेम होती है। तो भैया सीधी बात, नो बकवास, बाबा जी ने इतने कम टाइम में ये दोनों चीजें आपको पढ़ा दी, इलेक्ट्रिक डाइपोल के क्वेश्चंस भी करा दिए, और अब हमको आगे पढ़ना है। मगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना, और अगर टीम फिजिक्स बाबा ज्वाइन नहीं करी है तो डाउनलोड दी फिजिक्स बाबा ऐप नाउ, और मिलते हैं अपन लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।